नमस्कार, जे एन आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। बहराइच से बड़ी खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर जिला अधिकारी ने उनके चित्र पर माला अर्पण करके उनके आदेशों पर चलने के लिए शपथ लिया गया। शपथ के समय जिला के आला अधिकारी मौजूद रहे। वीओ इस अवसर पर जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि आज वह दिन है जिस दिन भारत माता ने ऐसे महान विभूति को जन्म दिया था जिनसे भारत की एकता और अखंडता के वर्तमान स्वरूप हैं, उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए संघर्ष करते हुए ऐसा स्वरूप दिया जिसके सामने सभी नमस्तक हुए। आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सरदार पटेल के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, आज के इस कार्यक्रम को किस तरीके से खास आप मानते हैं? खास आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन भारत माता ने एक ऐसे सपुत्र को जन्म दिया जिसने भारत की एकता और अखंडता का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए संघर्ष करते हुए सभी रियासतों को विलीन करते हुए और ऐसा स्वरूप दिया जिसके सामने सभी देश विदेश के लोग नतमस्तक होते हैं। आज उस महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता के दिवस में, और ये हमारा सबसे विनम्र अपील है कि राष्ट्रीय एकता तभी सुनिश्चित रहेगी जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रमाता के सेवा के लिए कुछ करेंगे, उसके लिए बलिदान करेंगे। अपने निजी स्वार्थों को बलिदान करते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए जो भी कर्तव्य होंगे उनका पालन करते हुए अपना कार्य करेंगे। मैं बहुत कुछ न कहते हुए आज उन सबके पटेल जी के आदर्शों पर चलने के लिए सभी नागरिकों से अपील करता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अपराजय संकल्प शक्ति के साथ भारत के अखंड स्वरूप की परिकल्पना को स्थापित किया, आज उनको पुनः नमन करते हुए ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेरणा ली।